यू अपॉन डी ओ है। ठीक है बच्चों, तो ए बी सी डी एक समलम्ब है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसे हम एक समलम्ब बनाते हैं, ठीक है, ए बी डी सी। बच्चों इतना ध्यान रखेंगे कि यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, तो यहाँ डी होगा और यहाँ पर सी, ठीक है, अन्यथा हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे मिला दिया। कह रहा है कि ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण हैं वो पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं बच्चों, ठीक है, पहला विकर्ण, और इसका जो दूसरा विकर्ण है वो पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ए ओ अपॉन ओ बी बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो उपपत्ति देखते हैं बच्चों इसकी। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ, ठीक है, अपॉन ओ बी बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ, और बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वी समांतर है डी सी के, ए वी समांतर है डी सी के। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से, ठीक है, हम ए वी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम ई और एफ। ठीक है, हम लिख देंगे बच्चों ए वी के समांतर एक रेखा ई ओ एफ की रचना करने पर। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया कि हमने ए वी के समांतर एक रेखा खींच ली ई ओ एफ। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, अब ए बी समांतर हो जाएगी हमारी ई ओ के, ठीक है, क्योंकि ये पूरी भुजा समांतर है। देखो बच्चों, जब ए बी और ई ओ समांतर होंगे, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जब बराबर होंगी, तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए ई, ए ई और ई डी बराबर, ठीक है, ओ बी और डी ओ हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रकार जब ए बी समांतर होगा ओ एफ के, ठीक है, जब ये इसका समांतर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर हो जाएगा बच्चों बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ कि अब देखते हैं कि क्या होता है कि जो ए ई है वो किसके बराबर होगा बच्चों, बी एफ के होगा। इसी प्रकार जो ई डी होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, एफ सी के। क्यों, क्योंकि हमने रचना से इस प्रकार इसे कर लिया था, क्योंकि जब हमने इसके समांतर एक रेखा खींची है तो ए ई समांतर होगा बी एफ के। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ई एफ सी की जगह ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ए ई अपॉन ई डी और ए ई अपॉन ई डी आपस में बराबर हैं, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन डी ओ।
ठीक है, ओबी को हम अपॉन में ले आएंगे और ओसी अपॉन क्या हो जाएगा डी ओ। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बिल्कुल इसके सेम क्वेश्चन है, आप इस समय हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो हमें कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे दूसरे वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है उस पर जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।